जब तक हमारा प्रोजेक्ट डेवलप ना हो, साथ ही साथ सीडीएस हमने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि जो जगह हम अपनी एक्वायर कर लेते हैं वहाँ पे डेवलपमेंट का काम शुरू करें, वो भी इनका टेंडर से मेरे ख्याल है विदिन टू डेज। सबसे पहले शुक्र है उस जात का जो तमाम जानों का खालिक है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद मेरे चेयरमैन और खासकर प्राइम मिनिस्टर साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कहा कि जी कौम से वादा भी किया था कि हमने वो लोग जो कानून से बालतर अपने आप को समझते हैं उन पे हाथ डालना है, तब डालना है जब अपना होमवर्क करें। क्योंकि अंदाजा करें 28,000 कनाल जमीन इस एरिया की, 33, इसकी वैल्यू आप देखें करबों में, और रिट कहां थी। और मैं सबसे ज्यादा ब्लेम किसको करता हूं, सीडीए के उन ऑफिशियल्स को, इस्लामाबाद पुलिस के उन ऑफिशियल्स को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के उन ऑफिशियल्स को, जिनके साथ मिलके बगैर उनके कोई इस तरह नहीं कर सकता। तो आई एम प्राउड ऑफ यू, पूरी कौम आप पर फख्र करती है, आप पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर साहब, आप पे हमारे जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, हमने अहद किया हुआ है और आप इसकी टीम है और इंशाल्लाह आपको नवाजेगा। गो ऑल आउट, लीगल फॉर्मेलिटीज बिल्कुल पूरी करनी है, ज्यादती किसी के साथ नहीं करनी, किसी को फिजिकली हैंडल नहीं करना कोई भी किसी कैपेसिटी में। आपका रवैया ये ना दिखाए कि आप जबर कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, आपको एक टास्क दिया है, ये नेशनल इंटरेस्ट है और आपने हर किसी को इज्जत देनी है। खासकर अव्वल क्या होता था, गरीबों को पकड़े थे, गरीबों को इज्जत दें, आम लोगों को इज्जत दें, और वो जो अपने आप को कानून से बालतर समझते हैं उनकी भी इज्जत है, लेकिन जब वो कानून को तोड़ दें तो अकॉर्डिंग टू लॉ उनको ट्रीट करें, ठीक है जी। और कोई प्रेशर नहीं लेना, कोई प्रेशर नहीं लेना, मैं आपके साथ इधर खड़ा हूँ, इंशाल्लाह आपके पास हर जगह जा रहा हूँ। कीप इट अप, अल्लाह कहानी ना करो, और हमने मैसेज देना है इस्लामाबाद को देना है ताकि पूरे पाकिस्तान में जाए कि कोई कानून से बालतर कर नहीं। जब मेरे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हम इसकी चीज को इतना स्ट्रांग करेंगे कि वो बड़ा करना भी चाहे तो कर सकेंगे, हम पे भी आप चेक एंड बैलेंस करके हमें भी इजाजत देंगे, किसी को इजाजत नहीं, अल्लाह की मदद करेंगे।